प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोविड 19 के पॉजिटिव तथा एक्टिव केसों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी को दृष्टिगत रखते हुए कोविड टीकाकरण के लक्ष्य को शत प्रतिशत पूरा कराने की दिशा में कदम उठाए जावे, जिससे कोविड टीका लगने से तीसरी लहर को रोकने में सफलता मिलेगी। वे आज मंत्रालय भोपाल से VC के माध्यम से जिलों के जिला, ब्लॉक, पंचायत स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुपों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि तीसरी लहर की बड़ी चुनौती हम सबके सामने है, जिससे घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस लहर के दौरान कोविड-19 का वायरस गले तक नहीं पहुँचता है बल्कि भीतर नहीं जाता है। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर से बचने के लिए जिलों को दिया गया कोविड-19 टीकाकरण का लक्ष्य शत प्रतिशत पूरा किया जावे। इसको पूरा करने में सभी की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि और प्रभारी मंत्री अपने क्षेत्रों में टेस्टिंग पर अधिक ध्यान दें। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया की रिपोर्ट। जी सर, उसी के लिए सर गांव के अंदर सर पंचायत की एक अलग टीम बनाई है और महिला बाल विकास और बच्चों का मतलब केवल जिनका स्कूल में एडमिशन है और स्कूल आ रहे हैं वही नहीं है भाई, बच्चों का मतलब जी सर एज ग्रुप के स्कूल में नहीं है वो बच्चे भी है जी सर। साला त्यागी बच्चों को ही सर लगभग 8 से 9 हज़ार उनके सर डाटा बैठ रहा है, उन्हीं के लिए सर हम डोर टू डोर सर्वे टीम बना दिए हैं सर। तो आज और कल परसों तक सर 3 दिन हम एक विशेष अभियान चला रहे हैं, तो जिला स्तर से लेकर सर सभी अधिकारी हम लोग फील्ड में ही है सर। तो बट सर ये है कि जो माइग्रेटेड फैमिली के साथ बच्चे गए हैं तो इसलिए सर गांव में और मिल नहीं रहे बच्चे, बाकी सर इनरोल्ड बच्चों का जी सर वो सूची भी सर हम जी सर क्योंकि सर फर्स्ट में सर हमने जिले में 100% भी कर लिया है टारगेट और सेकेंड में भी जो है सर हमने 92 स्टेट एवरेज के बराबर आ गए हैं और बूस्टर डोज में भी सर ठीक है। अब मैं 17 को इस पर टीकाकरण पर बात करूंगा, तब तक बाकी तैयारी कर रहे हैं। ये टीकाकरण डोज की भी स्थिति हमारे सामने है और ऊपर भी जो जिले हैं वहाँ भी जो कसर रहेगी वो कसर पूरी करें आगे बढ़े सर। ये बस खाली। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।